ये क्या है? कंडोम है, तुम्हें नहीं पता? हमको तो पता ये कॉन्डम है, नाम आदरणीय और काम मादरणीय। क्या 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 क्या? साले बुड्ढे, अरे यमराज के अगले ग्राहक। दुनिया की सबसे हसीन विलन जिसने बना दी मेरी लाइफ एक सैड फिल्म। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे निकम्मा की चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जनहित में जारी के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई और कौन सी फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं निकम्मा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 52 लाख का नेट कलेक्शन किया था, तो दूसरे दिन में 48 लाख कलेक्शन किया था और अपने तीसरे दिन में 53 लाख कलेक्शन किया है, और इसी के साथ इस फिल्म के 3 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1,53,00,000 हो चुका है। तो 3 दिनों को टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 1,85,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 18 लाख का कलेक्शन किया है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 3 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2,03,00,000 हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के चौथे दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने चौथे दिन में लगभग 15 लाख का नेट कलेक्शन करने जा रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट लगभग 23 करोड़ से 27 करोड़ तक है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिसास्टर साबित हो चुकी है। आज इस फिल्म को कोई भी ऑडियंस ना मिलने के कारण इस फिल्म के कई शोज को कैंसिल कर दिया गया है। अब जानते जनहित में जारी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 3,46,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने 8वें दिन में 10 लाख का कलेक्शन किया था, 9वें दिन में 16 लाख का और अपने 10वें दिन में 18 लाख का कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 3,90,00,000 हो चुके हैं। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 4,70,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 35 लाख का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 5,05,00,000 हो चुका है। अगर बात करें इस फिल्म के 11वें दिन की कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 11वें दिन में लगभग 10 लाख का नेट कलेक्शन करने जा रही है। दोस्तों अगर बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 16 करोड़ से 20 करोड़ तक है और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस में डिसास्टर साबित हो चुकी है। आधा साल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक बॉलीवुड से मात्र 3 फिल्में ही सक्सेसफुल हो पाई। पहला गंगूबाई काठियावाड़ी, दूसरा द कश्मीर फाइल्स और तीसरा भूल भुलैया 2। तो दोस्तों आपको निकम्मा और जनहित में जारी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।